दिल्ली एनसीआर में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। 2 महीने बाद फिर से सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं। आईजीएल ने सीएनजी के दाम 95 पैसे प्रति किलो बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 79.56 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 95 पैसे बढ़कर 79.56 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। ये रेट आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। कीमत में बढ़ोतरी के लिए प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इससे पहले दिवाली से आईजीएल ने सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए थे। पीएनजी के दाम में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ताजा बढ़ोतरी के बाद अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 78.17 रुपए से बढ़कर 81.17 रुपए हो गए हैं। सीएनजी की कीमतों पर बढ़ोतरी का असर ऑटो और टैक्सी सर्विस लेने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है। ओला उबर जैसी सर्विस भी ज्यादा चार्ज कर सकती है, जिससे लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। ऐसे में फल सब्जी के दाम में भी उछाल देखने को मिल सकता है, यानी महंगाई पर एक बार फिर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट जारी है। शुक्रवार को भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जो रेट जारी किए उसके अनुसार दिल्ली में पेट्रोल के रेट 96.76 रुपए और डीजल के दाम 89.66 रुपए हो गए हैं।